नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस एजेंसी में। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने बड़ी खरीद की है। चीनी L-15 ट्रेनर विमान की खरीद कर रहा है। दोस्तों, UAE ने 12 L-15 की खरीद पर हस्ताक्षर किए हैं। L-15 चौथी और पांचवी पीढ़ी का विमान है और हल्के हमले करने में सक्षम है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा खरीदे गए विमान 2 अरब दिरहम यानी $544 मिलियन अमरीकी डॉलर है, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। दोस्तों, L-15 का निर्माण हांगडू एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है और इसकी पहली उड़ान 13 मार्च 2006 को भरी थी और इसे 2010 में PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वायुसेना की यूनिट में शामिल कर लिया। दोस्तों, यह 3 वेरिएंट में आता है, L-15, JL-10 और JL-9 है। JL-9 काफ़ी सस्ता है, इसमें AL-222 सीरीज का टर्बोफैन इंजन लगा है। दोस्तों, इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड हथियार ले जाने के लिए 6 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं। यदि आवश्यकता पड़े तो यह मैक्सिमम 3,500 किलो लोड के साथ उड़ान भर सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में L-15 विमान को 3 देशों की सेना इस्तेमाल करती है, जाम्बिया, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल है। दोस्तों, इसे ऑपरेट करने के लिए 2 क्रू मेंबर चाहिए। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 40 फीट 3 इंच। दोस्तों, L-15 के पंखों का फैलाव 31 फीट 1 इंच है और चीनी ट्रेनर की ऊंचाई 15 फीट 9 इंच है। दोस्तों, विमान के भार की बात की जाए तो 4,960 किलोग्राम इसका भार है। दोस्तों, इसकी मैक्सिमम स्पीड 1715 किलोमीटर प्रति घंटा है और मैक्सिमम 39,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। दोस्तों, भारत ने भी खुद का ट्रेनर विकसित कर लिया है, जिसका नाम हंसा NG है, जिसका भारत ने सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, जल्द ही भारत और देशों को भी स्वदेशी ट्रेनर एक्सपोर्ट करेगा। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।